हेलो एवरीवन, आज हम क्लास फोर का लेसन थ्री करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का लेसन नाम है नाउन। सबसे पहले जानेंगे नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड विच इज द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड है, और जो नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एन एनिमल का जो नाम होता है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन कितने तरह का होता है, नाउन होता है पाँच तरह का। तो कौन कौन सा होता है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड लास्ट पॉजिटिव नाउन। ठीक है, तो एक एक करके हम जानेंगे कौन कौन सा होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस पैराग्राफ में वो पढ़ते हैं, इसमें नाउन कौन कौन सा वो देखेंगे, और वो कौन सा नाउन कौन से पार्ट का है, मतलब कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा कलेक्टिव नाउन है, सब वो देखेंगे। ठीक है, हेयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क, इट इज अ फेमस विक्टोरिया पार्क, मिस्टर रॉन इज द ऑनर ऑफ दिस पार्क, देयर इज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड फ्लाइंग हाई इन द स्काई। फ्लॉक मतलब होता है ग्रुप ऑफ बर्ड्स को कहते हैं फ्लॉक। ठीक है, अ क्राउड ऑफ पीपल इज वॉचिंग एन एक्टर एक्ट्रेस एक्ट ऑफ ब्रेवरी। क्राउड मतलब क्राउड हो गया भीड़, भीड़ वाले इंसान का जो भीड़ होता है उसे क्राउड कहते हैं। ठीक है, इन द अबव पैराग्राफ पार, अब इसके बारे में बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में जो नाउन कौन कौन सा वो उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इन द अबव पैराग्राफ पार्क, विक्टोरिया पार्क, मिस्टर रॉन, ऑनर, फ्लॉक, स्काई, क्राउड, एक्टर्स एंड ब्रेवरी आर नाउन्स। क्या सब का सब क्या है, सब नाउन है, लेकिन इसमें अब क्या होता है, नाउन अब डिवाइडेड है। इसे पार्क, ऑनर एंड स्काई आर कॉमन नाउन। ठीक है, ये क्या, ये तीनों क्या है, कॉमन नाउन है। विक्टोरिया पार्क एंड मिस्टर रॉन आर प्रॉपर नाउन, फ्लॉक एंड क्राउड आर कलेक्टिव नाउन, एक्टर एक्ट्रेस इज अ पॉजिटिव नाउन, ब्रेवरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये सब अलग नाउन है। अब ये सब नाउन के बारे में और डीपली पढ़ते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है, नाउन कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंट वेज, लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, अलग अलग टाइप का नाउन होता है। सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में जानते हैं। कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन और प्लेस। कॉमन नाउन किसी भी इंसान किसी भी प्लेस को क्या बोलते हैं, डिफाइन पर्सनली डिफाइन नहीं करता, बस एक नाम ले लीजिए। जैसे कि एग्जांपल वोमेन यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वोमेन, वोमेन मतलब कोई भी औरत होगी। उसमें क्या बोलते हैं, डिफरेंट बात नहीं कि मेरी मम्मी, मेरी दादी, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी बहन, ऐसा कुछ नहीं है। बस वोमेन मतलब सब सब जितनी भी लेडी हैं पूरी दुनिया की, वो सब आ गई। ठीक है, माउंटेन मतलब कोई भी माउंटेन, ये नहीं बोल रहे हैं कि हम माउंट एवरेस्ट का बात कर रहे हैं या फिर केटू का बात कर रहे हैं, ये नाम नहीं ले रहे पर्सनली, हम कोई भी माउंटेन हो गया। ठीक है, स्कूल मतलब कोई भी स्कूल, ये नहीं बोल रहे एके पब्लिक स्कूल, होली सेंट, एकरा पब्लिक स्कूल, ऐसा कुछ। स्कूल मतलब स्कूल, वैसे क्या इस तरह के नाउन को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, ये कॉमन हो गया। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, द बॉय वेंट टू प्ले क्रिकेट, बोथ बॉयज एंड क्रिकेट आर कॉमन नाउन। क्या है, दोनों कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय मतलब कोई भी बॉय, इसमें नाम थोड़ी ना कि वो राहुल, राज, राजेश, ऐसा कुछ नहीं, बॉय मतलब कोई भी लड़का। ठीक है, क्रिकेट मतलब क्रिकेट ही हो गया। ठीक है, दे कैन रिफर टू एनी बॉय और क्रिकेट मैच, कोई भी क्रिकेट मैच है, कोई भी क्रिकेट मैच हो ना, वो आईपीएल खेलने गया था कि टेस्ट खेलने गया था कि रणजी खेलने गया, ऐसा कुछ तो नहीं था। दीज आर नथिंग स्पेसिफाइड इन दिस नाउन, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल जो और हम जो दिए हैं वो सब है। अब आते हैं प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक और अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और प्रॉपर नाउन हमेशा क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल जॉर्ज बुश, द नील, द ताजमहल। ठीक है, अब ये सब एग्जांपल, ये सब इजी एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अब हम बात करें स्कूल में, जैसे इसमें था स्कूल, अब हम बात करें मान लो एके पब्लिक स्कूल, तो एके पब्लिक स्कूल का बात करेंगे तो ये एके पब्लिक स्कूल है। स्पेसिफिक हम सिर्फ स्कूल का बात नहीं कर रहे हैं, बोकारो में बहुत सारा स्कूल है। अब हम तुमसे कोई पूछा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम बोलोगे कहाँ पढ़ते, कहाँ पढ़ते हो, तब तो ये बोलोगे ना कि हम एके पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, प्रॉपरली तुम बताओगे हम किस कहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तो क्या बोलते हैं, तुम डायरेक्टली अपने पापा का नाम बताओगे, मेरे पापा का नाम ये है। तो पापा का जो नाम लिए तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन में क्या होता है, हमेशा जो स्टार्टिंग होता है, अगर सेंटेंस में लिख रहे हो तुम अगर कुछ भी प्रॉपर नाउन का, तो उसमें जो प्रॉपर नाउन का जो स्टार्टिंग हो हमेशा क्या होगा, अल्फाबेट जो जो उसका फर्स्ट लेटर रहेगा कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल एक दिया हुआ है, यहाँ तो सेकंड एग्जांपल, आई विल बी विजिटिंग न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, प्रॉपर नाउन। अब बोल रहा है आई विल बी विजिटिंग न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ, साफ साफ नाम ले रहा है कि हम कौन सा शहर जाएंगे। अब ये अगर बोलता है आई विल बी विजिटिंग फॉरेन नेक्स्ट मंथ, अगर फॉरेन जा रहे हैं मतलब फॉरेन बाहर जा रहे हैं, तो बाहर में कहीं भी जा सकता था, ये तो पता नहीं था कि, तो वो कॉमन नाउन था, लेकिन यहाँ पे नाम ले रहा है, वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो न्यूयॉर्क क्या बोलते हैं, जगह का नाम, स्पेसिफिक नेम है शहर का। ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप, व्हेन अ नाउन स्टैंड फॉर अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन थिंग टेकन एज एन होल। जब एक से ज्यादा रहेगा, एक कलेक्शन रहेगा, तो उस टाइप नाउन को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ क्राउड ऑफ पीपल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर।
भाई जैसे क्या होता है, अभी बात हुआ था वो था सेंटेंस में, देयर इज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड, तो क्या फ्लॉक मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लॉक ऑफ शिप मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ शिप, बहुत सारा शिप मिला, अ क्राउड ऑफ पीपल मतलब इंसानों का भीड़ लगा हुआ है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। अब जैसे क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में क्या दिखा हुआ है, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट जो क्लास जो है स्टूडेंट से भरा हुआ, पूरा बच्चों से भरा हुआ, इस टाइप का सेंटेंस को, इस टाइप का को क्या कहते हैं, इस टाइप का नाउन को क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन। जब एक से ज्यादा लोग के, जब क्या, जब चीज चाहे इंसान हो, चाहे जगह का नाम हो या लोग हो या फिर सामान हो, जब एक सा जब ग्रुप बनाता है तो उसका क्या कहते हैं, उस टाइप का नाउन क्या कहते हैं हम, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब जानते हैं क्या क्या है, अब फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन आर यूज्ड इन एनिमल, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उस एग्जांपल्स को क्या बोलते हैं, पर आप एक दो हम रीड कर दे रहे हैं आपके लिए, बाकी आप लोग खुद से रीड कर लें। अ फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन आर यूज्ड फॉर एनिमल, अ कैच ऑफ फिश, एन आर्म ऑफ एंट्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शिप। अब इसमें देखते हैं, द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन आर यूज्ड फॉर थिंग्स, सामान के लिए होता है, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है। ये सब क्या ग्रुप है, मतलब स्टार्स गैलेक्सी वो बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जब मिलकर क्या बनाता है, गैलेक्सी बनाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, ग्रुप ऑफ अ फॉरेस्ट ऑफ ट्री, मतलब बहुत सारे ट्री मिलकर क्या होता है, फॉरेस्ट बना, जंगल बना लेता है, ठीक है। इस टाइप का क्या बोलते हैं, अ बंच ऑफ कीज, यहाँ पे एग्जाम्पल बंच ऑफ कीज, मतलब बहुत सारे जब की मिलता है उसको क्या बोलते हैं, बंच ऑफ कीज बोलते हैं, वेयर इज अ बंच ऑफ कीज, तो ये क्या बोलते हैं, गुच्छा, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छा। अब आते हैं पॉजिटिव नाउन में, पॉजिटिव, अब पॉजिटिव नाउन नेम्स Who or what owns something? Who or what का question करता है, ठीक है। Possessive noun used to show ownership. Ownership मतलब मालिक कौन है, उस टाइप का जब क्या बोलते हैं, तब क्या बोलते हैं, ownership पता करता है, मालिक मालिक के बारे में पता चलता है, तो क्या बोलते हैं, possessive noun। अब इसका और deeply example पढ़ेंगे तो clear होगा। For example, Bob's क्या है, coat, Bob's coat, the dog's bone, etc. क्या बोल रहा है, Bob's coat। इसमें क्या जैसे लिखा हुआ था, डॉग्स बोन मतलब ये जो हड्डी है वो किसका है, तो डॉग का है, मतलब ओनरशिप है, यानी ये हड्डी का मालिक कौन है, हड्डी किसका है, तो ये हड्डी किसका है, तो कुत्ते का है। और बॉब्स कोट, ये कोट किसका है, अगर पूछेगा हुज कोट इज दिस, तो ये बॉब्स कोट, दिस इज बॉब्स कोट, यानी क्या ओनरशिप पता चल रहा है, इस कोट का मालिक, यानी इस कोट किसका है, तो बॉब का कोट है, ठीक है। तो इस टाइप का चीज, तो क्या हो गया, उसमें इस टाइप का नाउन को क्या कहते हैं, पॉजिटिव नाउन। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, An abstract noun is the name of something that one cannot see or touch and that can think of and talk about. Abstract noun क्या, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हैं और सोच सकते हैं, उस टाइप का noun को क्या कहते हैं, abstract noun. For example, intelligence, bravery, etc. अब कोई बोलेगा कि you are an intelligent boy, तो इंटेलिजेंट हुए, वो लिखा हुआ थोड़ी ना, दिख थोड़ी ना रहा कि तुम इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट हो वो क्या होता है, उसे फील कर सकते हैं हम, ठीक है, और सोच सकते हैं तुम। और ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब क्या, ताकत, हिम्मत वाला, कोई इसके बोलते तुम बहुत ताकतवर इंसान हो, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, तो क्या होती है, दिख थोड़ी ना, वो उसके क्या होते हैं, सोच सकता है और आदमी क्या कर सकता है, फील कर सकता है उसके बारे में, ठीक है। इस टाइप का सेंटेंस क्या करते हैं, इस टाइप का जो नाउन को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, शी स्क्रीम्ड विद ग्रेट डिलाइट, Delight tells that about the state of person's mind and any actual physical thing. See, scream मतलब होता क्या था, चिल्लाना। His bravery in the war won him a medal. उसका जो bravery है war में क्या था, medal उसे जिता दिया, मतलब उसका जो हिम्मत था, साहस था, उसे क्या दिला दिया, medal दिला दिया, थी क्या था, दिख नहीं रहा हमको क्या उसका, वो हम उसे फील कर सकते कि हाँ वो हिम्मत वाला, वो ताकत वाला है, ठीक है। इस टाइप का जो क्या बोलते हैं वर्ड रहता है उसको क्या कहते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। और उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, ये आपको सॉल्व किया मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।